गाइस कैसे हो लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यार आज थी ईद मुबारक सबको। यार आज थोड़ी रात को लेट वीडियो डाली क्योंकि मेरा गला भी खराब था ज़्यादा ना। अब देख सकते मेरी आवाज़ बैठी हुई है। और आज मैं दोबारा से जर्सी क्रिएट करूँगा क्रिकेट की, ये पार्ट टू है, ठीक है। चलो यार फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो यार थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम होगी थी यार, प्लीज़ बुरा मत मानना यार। चलो क्रेडिट रिसीव को दबाते हैं। अरे 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 यार ऐड है ना, सब हो चुके हैं। जब ऐड आई थी यार सारा कुछ उठा के ना, सबसे पहले नेट बंद कर देंगे तो हो गई। अब ऐड नहीं है जर्सी क्रिएट, ठीक है। यार आज मैं थोड़ी लंबी वीडियो बनाऊंगा। आज सबसे पहले तो यार मैं टेम्पलेट ही करूँगा और इंडियन जर्सी, तो मतलब जर्सी बनानी तो मैंने आपको सिखा दी थी, तो मतलब आज कुछ और ही सिखाते हैं करना। ये देखें जैसे सबसे पहले तो मैंने निकाल दिया ना, ये है एक इमेज है ग्राउंड की और अलग चीज़ होगी इमेज होती हैं। देखिए मैंने इसमें से ये वाली इमेज सेलेक्ट कर ली, आर्ट पे जाकर स्टिकर पे, तो वहाँ से जाके मैंने विकेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप ये देखें, ये को छोटा करेंगे, बिल्कुल छोटा। देखें लग रहा है जैसे उसने शॉट मारी है तो गेंद गई है कहीं पर, और उसके पीछे ये विकेट लगा देंगे छोटी सी करके। विकेट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, देखें जैसे उसने शॉट मारी है ना तो मतलब यहाँ से कैच हो गया है, ऐसा हम रिव्यू करेंगे। कैच लग रहा है ऐसे असली बिल्कुल। इसी तरीके से सेव कर लेंगे इसको जैसे करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, आर्ट में फ्लैग्स होते हैं हर तरह मुल्क के, नेपाली फ्लैग हो गया, ये स्टिकर होते हैं मैंने आपको दिखाए थे, ये शेप्स होती हैं अलग तरह की लाइंस, ये बैज होते हैं, ये डेकोरेशन होती हैं, ये गैलरी होती है जो अभी हम तस्वीर अपनी गैलरी से भी सेलेक्ट कर देते हैं, कलर्स तस्वीर में कर सकते हैं हम लोग। ये होता है इमेज में, इमेज पर जाके हम चेक भी लगा सकते हैं पीछे से, जर्सी टेम्पलेट ग्रेडियंट टेक्सचर कलर ग्रेडियंट कम्प्लेक्सिटी ये सारा कुछ होता है इसमें। ये देखिए आर्ट मैंने आपको दिखा दिया, इसमें बोला ही लफ्ज़ कोई लिख सकते हैं, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पर इब्राहिम। ये देखिए यहाँ फॉन्ट्स होते हैं अलग तरीके के, ग्रेडियंट कलर दे। ये पीछे जो आवाज़ें आ रही हैं वो मेरी बहन की, उसको प्लीज इग्नोर करना। तो देखो ये होते हैं कलर्स, ओपेसिटी होती है, ये ग्रेडियंट कलर्स होते हैं, स्पेसिंग अंडरलाइन बोल्ड इटैलिक सारा कुछ होता है। इफेक्ट पे जाके कोई भी ऐसी रील देख सकते हैं। मैं गैलरी में आ गया हूँ, ये क्या लग गया था, ये मैंने एक मीम की फ़ोटो ली हुई थी उसके से वो मीम की फ़ोटो आ गई, सेम मैंने कुछ दिखाया था। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सबसे पहले तो ईद मुबारक है दोबारा से, अल्लाह हाफिज़।